हरियाणा स्वर्ण जयंती के मौके पर विशेष सत्र, हरियाणा की और बेहतरी के लिए मांगे जाएंगे सुझाव। सत्र में सिर्फ स्वर्ण जयंती वर्ष पर ही होगी चर्चा। हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित सम्मेलन में सम्मानित हुए पूर्व विधायक और सांसद, INLD और कांग्रेस ने भी उठाए मुद्दे, बाद में किया सम्मेलन का बहिष्कार। CM बोले विपक्ष का रवैया अच्छा नहीं। रामकिशन खुदकुशी पर गरबाई सियासत की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की निंदा, बोले पूर्व सैनिक की मौत पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, कहा आत्महत्या करने वाले नहीं हो सकते शहीद। पूर्व फौजी रामकिशन सुसाइड मामले में यमुनानगर में विवादों में घिरा कांग्रेस का धरना, भीड़ जुटाने के लिए भीख मांगने वाली महिलाओं को खाने और कंबल का लालच देकर धरने पर बुलाया गया। प्रदर्शन में लगाए गए भारतीय सेना के खिलाफ नारे। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में विपक्ष ने उठाया SYL का मुद्दा। INLD ने सूबा सरकार पर पंजाब के स्टैंड पर माकूल जवाब नहीं देने का लगाया आरोप। CM बोले कोर्ट के फैसले को मानने से कोई नहीं कर सकता इनकार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर डायरेक्ट विद दिनेश में BJP के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुख, पंजाब के हर मुद्दे पर करेंगे बात शाम 7 बजे डायरेक्ट विद दिनेश में। हिमाचल में मिशन 2017 की तैयारी जोरों पर, BJP ने उठाया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में संशोधन का मुद्दा, राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सीवरेज का गंदा पानी पीने को मजबूर, डलहौजी के चमेरा डैम के पास रहने वाले 272 गांव के लोग, डैम के पानी में छोड़ा जाता है गंदा पानी, बीमारियां फैलने का बड़ा खतरा, समस्या का जल्द हल ना होने पर लोगों ने दी प्रदर्शन की चेतावनी। GST टैक्स की दरों पर कर दिया गया ऐलान, अगले साल लागू होने जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की 4 दरों पर बनी सहमति। GST काउंसिल की बैठक में 5, 12, 18 और 28% के स्लैब पर सहमति बनी। जरूरी इस्तेमाल की चीजों पर लगेगा सबसे कम 5% टैक्स। डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम ने श्रद्धालुओं से क्रिकेट मैच में लगने वाले सट्टे से दूर रहने की बात कही। डेरा श्रद्धालुओं ने किया डेरा प्रमुख के आह्वान का पूरा समर्थन।